हाँ तो दोस्तों, आपने सही सुना, 7 लहसुन प्रति एक रोज 1 लहसुन खाने से आपका 10 किलो वजन कम होगा। आपका स्वागत है हमारे वीडियो पे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताते हैं कि लहसुन खाने से आपका किस किस चीज़ में फ़ायदा है। फ़ायदा तो अनेक है, अनेक, पर इसे हर कोई बताया जाता था इसे कच्चा खाना है। हर कोई कच्चा लहसुन खाने में कतराता था, क्योंकि जब भी एक लहसुन आप मुंह पर रखते हैं तो लगता था कि जीभ और मुंह जला देता है। तो कुछ उस तरह नहीं करना है। आप लहसुन भी खाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसे खाने से आपको क्या क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप मोटापा है तो मोटापा होता कैसे है, आपको मोटापा होता है आपका खान पान से, आपका दिनचर्या जो आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका खाने का हर कोई का होता है कि कोई कोई मांसाहारी होता है, उम्र हो गया है 40 का फिर भी आप मुर्गा है, मीट है, मछली है, अंडा है, आप मारे जा रहे हैं, तो उससे आपका क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ते जाता। खाना आप खा रहे हैं पर आप जितना खा रहे हैं कभी गौर किए हैं कि क्या आपका पाचन शक्ति उतना पचा पा रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम लैट्रिन जा रहे हैं, तो लैट्रिन जा रहे हैं तो कितना होता है लैट्रिन, आप खाते हैं इतना होता है इतना कैसे, तो आपका ये फैट बनते जाता है आपका शरीर में। कहीं जैसे कि आपका कहीं कहीं देखेंगे तो जांग मोटा हो रहा है, गर्दन मोटा हो रहा है, पेट का जो साइज है अधिक बढ़ रहा है, आपका जो पीठ का जो साइज है वो आपका मोटा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है, वो आपका जाके थक्का हो जा रहा है। उससे आपका क्या होगा, जो खून का बहाव है, हम शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं, ना ही इसमें आप बहुत अच्छा से समझ पाएँ ना ही इसमें कोई इंग्लिश है, आपको हिंदी इसलिए बता रहे हैं कि ब्लड जैसे कि खून, खून में आपका बहाव है, जैसे कि आप यहाँ पर ही आप दाब देते हैं तो इधर तो खून नहीं आ रहा है, तो खून काहे नहीं आ रहा है, और इसमें आपका यहाँ पर पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है नस जाम हो रहा है, तो इसे ये करता है दूर। और पहली बात तो आप सुन लीजिए कि आप 40-50 के हों तो आप खाने में पहले सुधार लाएं, ताकि आप नॉन वेज से दूर रहें, हरा सब्जी खाएं, सुबह में आप गर्म पानी लें, आप चाहें तो आंवला का जूस लें, खाने का आप रूटीन पहले सुधारें। और दूसरी बात है ये लहसुन का, तो लहसुन आपका बहुत ही फायदेमंद है। अभी फायदा करता कैसे है, आप इसे क्या करें, इसे आप छील लें, और छीलने के बाद इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा है, किसी को हार्ट है तो आपका हार्ट का जो ब्लॉक है उसे ये करता है दूर, और किसी को बीपी का शिकायत है तो बीपी में ही बेस्ट काम करता है, और आपका ये इतना बेस्ट है कि कैंसर तक बीमारी को ये दूर करता है, उसके कोशिकाओं को मारता है ये लहसुन। लहसुन तो आपका समझिए कि ये वरदान है भगवान का, हर रोग का इलाज वरदान भगवान भेजे हैं धरती पे, पर इसे बहुत ही कम लोग जानता है कि लहसुन में क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ तक कि हम देखे हैं जो घर में लहसुन ढुकने नहीं देता था उसको इतना फ़ायदा हुआ है कि हर आपका बूढ़ा से लेके बच्चा तक ये लहसुन को खाने में यूज कर रहा है। यहाँ तक रामदेव बाबा बताते हैं लहसुन यूज करने के लिए, तो क्यों बताते, इसमें इतना ही फायदा है आपका, इसका आप चटनी बना के खा लें, आप खाने में या सब्जी में थोड़ा लहसुन या लहसुन का अचार बना लें, ठंडा में इसे लहसुन का अचार बना के ज़रूर खाएं। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लहसुन का अचार कैसे बनता है ये वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, पर गर्मी में इसे लहसुन आप सीधा 7 कली छीलें, और 7 कली छील कर इसे करें क्या, इसे तावे में
इसे तावे में अभी हम करके दिखाएंगे आपको। ऐसे कच्चा लहसुन तो किसी का बस का नहीं है, क्योंकि हम भी खुद नहीं खा पाए थे, कोई हमें बताया था तो हम नहीं खा पाए थे, किसी का बस का बात नहीं है। ये जो हमारा लहसुन साथ छिला गया है, अब इसे करना क्या है, इसे चाहे तो आप तावे में इसे रोस्ट कर सकते हैं, या चिमटा पकड़कर इसे आप आग में भी सेक सकते हैं। तो चलिए इसे हम आपको तावे में भूंज कर दिखाते हैं। तो चलिए लहसुन को हम तावे में डालते हैं, और ये हमारा 7 लहसुन है, और ये हमारा तावा भी बहुत अच्छा से गर्म हो चुका है। अब इसी तरह आप तावा में इसे बहुत अच्छा से भूंज ले, ताकि आपको जो खाने में कड़वापन लगे वो ना लगे। उससे आपका इसमें भूंजने से कोई ऐसा नहीं है कि आपका इसका विटामिन जो तत्व है वो निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। केवल आपको जो खाने में कड़वाहट लगेगा वो आपका जीभ में जो आपका लगेगा ऐसा कि बहुत करंट लग गया है, ये बहुत तीखा है, नहीं खा पाइएगा। इसे आप रोस्ट करके आप खा सकते हैं। इसे इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह देख सकते हैं। अच्छा अच्छा कलर आने लगा है इसमें, 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो तावा है हम पहले से इसे गर्म करके रखे हुए थे। हमारा 2-3 मिनट लगा और लहसुन बहुत ही अच्छा से रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसे हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपको लहसुन खाना कैसे, क्या आपको 7 लहसुन खाना है? नहीं, आपको खाना है क्या, आप 7 लहसुन भूंज लें और इसे आप स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, या आप 1 लहसुन भूंज के डेली तो नहीं खाएंगे, खाने में आप अस्कताएंगे। तो इसी तरह से आप 7 लहसुन भूंज लें और 7 रोज इसे खाना है। यदि मान लें आपके पास छोटा लहसुन है, छोटा कली है, इस तरह का, इससे भी एक डल कली आता है, वो वैसा है आपके पास, तो आप 2 खा सकते हैं। नहीं तो आपके पास ऐसा है, इसे खाना है 1, और इसे चिबा चिबा के खाना है आपको। और इसके साथ जैसे कि आप चाय पीते हैं, जितना गर्म चाय आप लेते हैं उसी तरह का ये हम पानी गर्म कर चुके हैं, और देख सकते हैं इसमें हमारा भाप निकल रहा है। और इसे करना क्या है, ये हमारा जीरा का पाउडर है, तो आप इसमें मधु डाल के पी सकते हैं। यदि मधु को अवॉइड करते हैं, जिसे मधु नहीं डालते हैं, तो आपको करना क्या है, आप इसमें जीरा पेस्ट होता है, जीरा में भरपूर मात्रा से आयरन होता है, ताकि आपका जो चर्बी को है बहुत जल्दी से गला देता है। और आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह वॉक जरूर करना है, आपको जॉगिंग जरूर करना है, ताकि आपका जो फैट जो है आपका जल्दी से, जिस तरह ये आप खा रहे हैं और जीरा यूज कर रहे हैं और गर्म पानी सुसुम नहीं, आप चिबा के इसे खा लें, और खाने के बाद आप इसमें 1 चम्मच आप इस तरह जीरा डाल दें, आप जीरा डाल के इसे चला लें। आप कच्चा जीरा का पाउडर बनाएं, पेस्ट बनाएं, आप जीरा को भूंजे नहीं, आप कच्चा जीरा का पेस्ट बना लें, ताकि आपका गैस का भी शिकायत होगा, जिसे फैट होता है, जिसे चर्बी होता है, उसे गैस्ट्रिक होता ही होता है। तो इसी कारण से हम इसमें जीरा आपको यूज करने के लिए हम बता रहे हैं, ताकि इसमें आप जीरा ज़रूर डालें, और पहले आप इसे चिवा कर खाएं, और फिर इसे जिस तरह आप धीरे धीरे करके आप चाय पीते हैं, उस तरह आप इसे धीरे धीरे करके लें। और खाना जैसे कि नाश्ता आप 1 घंटा बाद लें, सुबह सुबह आप वॉक करके आएँ। और करना क्या है, आपका भूंजा हुआ है लहसुन, आप उसे 1 कली चिबा कर खा लें, गर्म पानी करें, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें, और आप इसे आराम से बैठ के पी लें। जिस तरह आपका चाय या कॉफ़ी में आदत हो जाता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 1 हफ्ता में इसके आदि हो जाएंगे। जब इसका आपको बेनिफिट दिखेगा तो आप कहेंगे कि चाय को मारो गोली, और इसे हमें हर तरह से आपका, मतलब कि मोटापा हर रोग का नेवता देता है, मोटापा हर रोग का नेवता देता है।
तो जितना आप स्लिम रहेंगे उतना रोग से बीमारी से दूर रहेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी पीड़ित लोग हैं, अधिकतर बच्चा हो या बूढ़ा, मोटापा से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? जो आपका खान पान है, आपका मिलावटी का हर खाना आपको मिल रहा है, इसी कारण से बीमारी भी बहुत अधिक हो रहा है। आप बीमारी का नाम नहीं जानते थे, वैसा वैसा बीमारी आ रहा है। तो आप जो हमारे पुराने ज़माने में दादा दादी नाना नानी जो करते थे, इसी तरह का कुछ नुस्खा अपनाते थे। पहले के ज़माने में बड़े बड़े आज का कोई ऐसा मेडिकल नहीं था, आयुर्वेदिक तरीका से हर बीमारी का इलाज होता था। पहले के लोग इतना बीमार नहीं पड़ता था। जो अभी के लोग जन्मता बच्चा को हर तरह का बीमारी होता है, पेट में ही बीमारी होता है। क्यों होता है? ये हमारे मिलावटी खाना, जो आप अनाज जो हो रहा है उसमें भरपूर मात्रा से हर तरह का सुइया है, इंजेक्शन है, बहुत तरह का खाद है, ताकि ये हर चीज़ में आदमी अपना बेनिफिट देखता है, लोगों को नहीं देखता है कि कैसे बीमार हो रहा है। इसी कारण से ये चीज़ वेस्ट है। आप इसे ज़रूर खाएं और आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।